टी20 वर्ल्ड कप के 39वें मुकाबले में इंग्लैंड की टीम श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं मेजबान और डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। श्रीलंका टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 141 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस मैच के बाद ग्रुप 1 से सेमीफाइनल की दोनों टीम तय हो चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम पहले स्थान पर है और इंग्लैंड की टीम दूसरे। आइए जानते हैं आज मैच में क्या क्या हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम अच्छी शुरुआत की। पहले विकेट के लिए निशंका और कुशल मंडिस ने 39 रन जोड़ी। इसके बाद मंडिस 18 रन बनाकर आउट हो गई। कुशल मंडिस के आउट होने के बाद श्रीलंका टीम के विकेट गिरती गई। भानुका राजपक्षा ने 22 रन बनाए। श्रीलंका के ओर से पाथुम निशंका ने 45 गेंद पर 67 रन की पारी खेली और टीम 8 विकेट खोकर 141 रन ही बना पाई। इंग्लैंड के ओर से मार्क वुड ने 3 विकेट ली। बेन स्टोक, क्रिस वोक्स, सैम करन और आदिल राशिद को एक एक विकेट मिला। 142 रन की पीछा करते हुए इंग्लैंड टीम ने शानदार शुरुआत की। पहले विकेट के लिए जॉस बटलर और एलेक्स हिल ने 44 गेंद पर 75 रन की पारी खेली। इसके बाद बटलर 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद एलेक्स हिल ने 30 गेंद पर 47 रन की पारी खेली। हालांकि बेन स्टोक ने एक छोर संभाल कर बल्लेबाजी की और 26 गेंद पर 42 रन बनाए। वो अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटी। श्रीलंका के लिए लहरू कुमारा, वनिंदु हसरंगा और धनंजय डिसिल्वा ने 2-2 विकेट लिया। श्रीलंका की इस हार के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं क्रिकेट से जुड़ी एक और वीडियो लेकर।